सो आज मैं लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करूँगी। इनर्शिया मैंने आपको पढ़ा दिया था, पर मैं स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाऊँगी ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स दोबारा क्लियर हों। लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिजिस्ट एनी चेंज। कोई भी चेंज करने का, एक बॉडी का रिजिस्ट चेंज करने का होता है तो वो इनर्शिया कहलाता है। मतलब कुछ वो चेंज करती है, रेस्ट पे होती है तो मोशन पे आना वो चेंज होता है, या फिर मोशन पे होती है तो रेस्ट पे जाना वो चेंज होता है। एग्जाम्पल होता है, व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट सडनली द राइडर फॉल्स बैकवर्ड्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अगर एक हॉर्स अचानक से दौड़ना शुरू कर दे तो उसके पीछे जो एक राइडर बैठा हुआ है वो पीछे की तरफ धचका खा के नीचे गिर जाएगा। वो इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि इंसान की इनर्शिया उस समय रेस्ट पे थी और अचानक से मोशन में आने की वजह से वो फॉल डाउन हो जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हर एक बॉडी कंटिन्यू करती है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एग्जाम्पल, जैसे कि एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज लाइंग वेयर इट इज़ अनलेस इट इज़ मूव्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहेगा, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन में हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन में हो, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया भी देता है। इसका सेकेंड नेम लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v एंड इज डिनोटेड बाय p। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। लीनियर मोमेंटम का चेंज बॉडी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पे बॉडी पे, एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। और ये हमेशा होता है, जो डायरेक्शन होता है फोर्स का अप्लाइड वहाँ पे, दैट इज डेल्टा पी डेल्टा टी अल्फा एफ ई एक्स टी डेल्टा टी अल्फा एफ ई एक्स टी। सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। जो सेकेंड लॉ होता है वो रियल लॉ कहलाता है मोशन का। ये एस MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है। इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। SI यूनिट ऑफ इम्पल्स आर NS एंड kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडीज फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेज। ऐसे फोर्स जो एक बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए लगे हो उन्हें इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक इक्वली अपोजिट रिएक्शन होता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लॉ आर एज फॉलोज। कुछ पॉइंट्स हैं थर्ड लॉ के बारे में। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयरिंग में होते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ए by a body B is equal and opposite to the force exerted on a body B by body A. जो force exert किया जाता है by body B on body A वो equal होता है या opposite होता है to the force जो exert किया जाता है body A के द्वारा body B पे। There is no cause effect relationship implied in the third law. कोई इसमें cause effect relationship नहीं होता। The force on a body A by body B and the force on body B by body A act at the same instant. वो दोनों ही same equally act करते हैं। Forces of action and reaction act always on different bodies, hence they never cancel each other. Frame of reference क्या होता है? Frame of reference, to locate the physical quantities like position, velocity and acceleration of a particle, a frame of reference is needed. किसी physical quantity जैसे कि position, velocity या acceleration एक particle की, उसको लोकेट करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जनरली अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज टेकन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक जनरल में तीन म्यूचुअल जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं उनको मैं एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल
अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होती है, फॉर एग्जाम्पल आर अर्थ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग, जो मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन के साथ, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें वैलिड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक रोटेटिंग फ्रेम, सूडो फोर्स अराइज व्हेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर अप्लाइड इन अ नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सूडो फोर्स तब अराइज होता है जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया जाता है एक नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इन फोर्स में कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये लिए जाते हैं अकाउंट इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल टू द सिस्टम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स फॉर अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक स्यूडो फोर्स कहलाता है एक बॉडी के लिए इन सर्कुलर मोशन। द रियल फोर्स इन दिस केस इज सेंट्रीपेटल फोर्स डैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। रियल फोर्सेज अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। इन दीज फोर्सेज हैव स्पेसिफिक सोर्स, इनमें कोई स्पेसिफिक सोर्स लगाई जाती है एंड ओरिजिन आउटसाइड द बॉडी एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। दीज फोर्सेज आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शंस। ये फोर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं फंडामेंटल इंट्रैक्शंस के बेसिस पर। फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड इन एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। केस वन, फॉर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड फ्रेम एन इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, यस फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस टू, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज फ्रॉम द लिफ्ट से एन इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड वेलोसिटी वी एंड इज नोटेड बाय पी। मोमेंटम एक बॉडी का प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का और डिनोट किया जाता है पी से। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इट्स म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। That is, inertial momentum of the initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. Examples हैं conservation of momentum के, recoil of a gun on firing a bullet, backward movement of a boat when a person jumps out of it, उसका जो backward movement होता है boat का जब एक इंसान उससे छलांग मारता है बाहर, upward motion of a rocket due to the downward motion of exhaust gases. Equilibrium of particles. Equilibrium of a particle in mechanics refers to the situation जब net external force किसी particle पे zero होता है। First law के हिसाब से इसका मतलब होता है कि जो particle या तो वो rest पे होगा या वो uniform motion पे होगा। Equilibrium under concurrent forces. Concurrent forces are those forces जो act करते हैं same plane पे। Equilibrium under three concurrent forces F1, F2 and F3 उनको require होती है that the vector sum of the three forces is zero। उनके जो vector sum होता है three forces का वो zero हो, that is F1 plus F2 plus F3 is zero। Friction is the property due to which a force is set up at the surface of contact of two bodies preventing any relative motion between them। एक प्रॉपर्टी होती है फ्रिक्शन जिससे कि फोर्स जो सेटअप होता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज में वो प्रिवेंट करे, प्रिवेंटिंग एनी रिलेशन मोशन बिटवीन टू। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस गेट इंटरलॉक्ड रिस्ट्रिक्टिंग द मोशन व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द अदर। जब एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है एज कम्पेयर टू दूसरे से। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब भी एक बॉडी स्लाइड करती है या फिर टेंड करती है स्लाइड करने को ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, द फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द अपोजिंग
वो दो टाइप के होते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पहला होता है स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है दैट कम इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। डायनेमिक फ्रिक्शन ये एक अपोजिंग फोर्स होता है जो इन एक्शन आता है जब बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। डायनेमिक फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब वो एक्शन में आती है एक बॉडी के, वो जस्ट ऑन द पॉइंट होती है ऑफ स्लाइडिंग, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय एफ एस इक्वल्स टू यू एस एन। हेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड यू एस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो डिनोट किया जाता है एज एफ एन के बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एन बिटवीन दैम। एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एफ के जिसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो इसलिए वो यू के एन आ जाता है। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट रिमेन्स द सेम। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है उसके नेचर और मटीरियल ऑफ द सर्फेसिस जो कॉन्टैक्ट में होते हैं। फोर्सेज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स विच इज डिनोटेड बाय एफ इक्वल्स टू यू एन वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू स्टैटिक यू इज ग्रेटर दैन यू स्लाइडिंग इज ग्रेटर दैन रोलिंग। सर्कुलर मोशन फॉर अ लेवल कर्व्ड रोड एफ एस एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम वी टू आर एफ इक्वल टू एस एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एम वी टू आर, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रोड का। वी स्क्वायर इज स्मॉलर दैन इक्वल टू यू एस आर जी एस एन इक्वल्स टू एम जी। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार इज फॉर अ बैंक्ड कर्व्ड रोड कार कैन बी पार्क्ड इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार इज वी इक्वल्स टू मैक्स इक्वल्स टू आर जी एस प्लस टैन थीटा वन माइनस यू एस टैन थीटा 12। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगले में मैं आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक यू। When there's no more hope is left in me, I can see what comes.